किस लिए आप आए थे यहाँ और क्या ऑपरेशन करवाने के लिए आए हैं? ये मेरी मैडम है, ठीक है, रसोड़ी का ऑपरेशन करवाने थे जी। और इन्होंने हड़ताल कर दी, कल भी संडे था, कल आए थे, कल करे थे भी आ जाओ, आ जाए हैं, तो आज इन्होंने हड़ताल कर दी। तो परेशानी हो रही है जी? बहुत परेशानी जाती है। तो बंद करा इन्होंने? बंद किया हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? मैं रतिया से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, मैम डालता हूँ। तो क्या करवाने आए आप? रसोली का ऑपरेशन करवाने आए। क्या नाम है? मेरा नाम कुलवंत सिंह है। क्या पूरा मामला है जी, किस बाबत आज आप धरने बैठे हैं? पूरा मामला ये है कि ये नया टेंडर सरकार द्वारा दिया गया है, हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा, जैसा हर साल टेंडर होता है। तो पीछे 5 साल से लगभग कर्मचारी वही काम कर रहे थे, और अब जब नया ठेकेदार आया है तो उन्होंने बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई कारण बताए कर्मचारियों को हटा दिया है। और इसलिए हम सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 30 तारीख को टेंडर ख़त्म हो गया था पिछला, अब 7 दिनों से हमसे काम ले रहे हैं। हमने परसों जब काम बंद किया था तो परसों CMO साहब ने हमें आश्वस्त किया था, हमें आश्वासन दिया था कि किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन आज यहाँ पे लिस्ट लगा दी है और साथ में नोटिस भी लगा दिया है कि इस लिस्ट से जो बाहर है उसको हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, वो अपना खुद जिम्मेवार होगा। तो कितने लोगों को हटाया गया और कितने कर्मचारी तैनात थे यहाँ? तैनात करीब 110-115 कर्मचारी तैनात है, उनमें से जो कर्मचारी रखे हैं 40-50 है, उनको भी जो GDA था उसको स्वीपर में कर दिया, जो स्वीपर था उसको GDA में कर दिया, कंप्यूटर ऑपरेटर है जो टोटली हटा दिए हैं। तो नई भर्ती कर ली है? हाँ, नई भर्ती कर ली है, नई बंदों की लिस्ट लगा दी है। तो आज काम अब काम हमें तो नोटिस ही लगा दिया गया है कि जो कर्मचारी इस लिस्ट से बाहर है उनकी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो जो कुछ बंदे रखे हैं वो भी हमारा साथ देने के लिए, कि जब पुराने कर्मचारी उनको बिना किसी कारण से क्यों हटाया जा रहा है, वो भी हमारे साथ है। तो हड़ताल पे बैठे हैं आज आप? हाँ जी। कब तक ये हड़ताल रहेगी आपकी? अब जब तक हमें लिखित में ये नहीं मिल जाता कि आपको ही रखा जाएगा, तब तक ये जारी रहेगी। दो दिन पहले